मध्य प्रदेश की सियासी पिच पर धीरे धीरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान एंट्री कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि रविवार को कार्तिक ने अपने दादा दादी की याद में प्रेम सुंदर क्रिकेट लीग की शुरुआत की और इसमें बीजेपी सांसद सिंधिया समेत क्रिकेट के कई दिग्गज नजर आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये अलग अंदाज नजर आया बुधनी विधानसभा की नसरुल्लागंज में, जहां प्रेम सुंदर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय के साथ सांसद सिंधिया ने भी बल्ले के साथ अपने जौहर का प्रदर्शन किया। सिंधिया ने एक के बाद एक चौके और छक्के लगाए। इस दौरान पूर्व क्रिकेटर और बीसीसीआई के पूर्व चीफ सेलेक्टर सबा करीम भी मौजूद रहे। बल्ले से अपना दमखम दिखाने के बाद सिंधिया ने प्रेम सुंदर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट की तारीफ की। आने वाले समय में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के नवरत्नों को निखारने का काम इस टूर्नामेंट के द्वारा किया जाएगा। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य भी है कि हमारे साथ सबा करीम जी आ जाए हैं। ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड विकेट कीपर और बैट्समैन के रूप में, ऑफ द फील्ड एक विशेषज्ञ बीसीसीआई में और एक कमेंटेटर के रूप में उनकी क्षमताओं का प्रयोग पूर्ण रूप से भारत ने किया है। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में है, प्रेरणा और प्रोत्साहन हमारे खिलाड़ियों को मिला है और मुझे विश्वास है कि जो शुरुआत इस टूर्नामेंट की होगी हुई है, आने वाले समय में एक और भव्य रूप में टूर्नामेंट लेगा। इतना ही नहीं, सिंधिया ने इस दौरान कार्तिकेय की तारीफ की और कहा कि आने वाले वक्त में कार्तिकेय अपने पिता और दादा दादी का नाम रोशन करेंगे। एक खेल के प्रेमी ने मुझे निमंत्रण दिया। मैं आज यहाँ एक नेता के रूप में नहीं, लेकिन एक खेल प्रेमी के रूप में आया हूँ। जो मुझे कहना था क्षमताओं के बारे में, परिवार की समर्पित भाव जनता के प्रति, वो मैंने मंच से कहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि अपने पिता के पदचिन्हों पर, अपने दादा के पदचिन्हों पर चलकर ये नौजवान भी मध्य प्रदेश की नई इबारत रिश्ते में कोई कमी नहीं रखेगा। इसका सियासी बयानबाजी से खुद को दूर रखने की बात करने वाले सिंधिया जाते जाते कांग्रेस पर तीखा हमला करने से भी नहीं चूके। हमारी सोच और विचारधारा शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विकास पूर्ण रूप से धारण करना और जो 15 महीनों की एक भ्रष्ट सरकार रही थी जिसे उखाड़ के फेंका है, अब जनता को हर संभव लाभ, हर संभव विकास, हर संभव प्रगति प्रदान करना, यही मूल मंत्र शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश की जनता दोनों मिलकर यह संकल्प। हालांकि इन सबसे उलट सियासी गलियारों में यह भी माना जा रहा है कि इस टूर्नामेंट के जरिए कार्तिकेय इलाके के लोगों से जुड़ने का काम कर रहे हैं। बुधनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम पंचायतों में उन्होंने क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए निमंत्रण दिया है, जिससे कार्तिकेय को बड़े पैमाने पर लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। टीम न्यूज स्टेट।